आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी और सरकार के समय पर दखल देने से खुदरा बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पैकेट बंद खाद्य तेल की कीमत में इस महीने की शुरुआत से ही कमी आनी शुरू हो गई थी और अब इनकी कीमत 150 रुपये से 190 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत अब तक 30 लाख टन गेहूँ का निर्यात कर चुका है। साथ ही सरकार कुछ अन्य देशों के गेहूँ आपूर्ति के आग्रह पर विचार कर रही है। बीते सप्ताह अदानी विल्मर और मदर डेयरी ने विभिन्न खाद्य तेल की एमआरपी में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। दोनों कंपनियों ने कहा था कि नई एमआरपी वाले पैकेट जल्द ही बाजार में आ जाएंगे। वहीं सरकार के समय पर हस्तक्षेप और वैश्विक विकास के कारण खाद्य तेल की कीमतों में रुझान बहुत सकारात्मक है। खाद्य तेल, खुदरा गेहूँ और गेहूँ के आटे की कीमतें स्थिर है। साथ ही बता दें कि पांडे ने कहा कि घरेलू कीमतों को में रखने के लिए सरकार नियम उपयोगी रही है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रमुख खाद्य तेल ब्रांडों ने एमआरपी को चरणबद्ध तरीके से कम किया है और हाल ही में उन्होंने कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। वहीं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मूंगफली तेल की औसत खुदरा कीमत 21 जून को 188.14 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि 1 जून को ये 186.43 रुपये प्रति किलोग्राम पे थी। सरसों के तेल की कीमत 21 जून को मामूली घटकर 180.85 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो 1 जून को 183.68 रुपये प्रति किलो थी। वहीं वनस्पति तेल की कीमत 165 रुपये प्रति किलो है। सोया तेल की कीमत 169.65 रुपये से मामूली घटकर 167.67 रुपये हो गई, जबकि सूरजमुखी तेल की कीमत 193 रुपये प्रति किलोग्राम से थोड़ी कम 189.99 रुपये हो गई है। वहीं पाम तेल का भाव 21 जून को घटकर 152.52 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है, जो 1 जून को 156.4 रुपये प्रति किलो था। केंद्र के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग से प्रतिदिन 167 केंद्रों से 22 वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य प्राप्त होते हैं। वही अदानी विल्मर ने शनिवार को अपने खाद्य तेल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। फॉर्चून रिफाइंड सूरजमुखी तेल के 1 लीटर पैक की MRP 220 रुपये प्रति लीटर से घटकर 210 रुपये प्रति लीटर कर दी गई। वही फॉर्चून सोयाबीन और फॉर्चून कच्ची घानी 1 लीटर पैक की MRP 205 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 195 रुपये कर दी गई। वहीं दिल्ली NCR में प्रमुख दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं में से एक मदर डेयरी ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने वैश्विक बाजारों में कीमतों में नरमी के साथ अपने खाना पकाने के तेल की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की है। कंपनी अपने खाद्य तेलों को धारा ब्रांड के तहत बेचती है। धारा सरसों तेल की कीमत 208 रुपये से घटाकर 193 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। धारा रिफाइंड सूरजमुखी तेल पहले के 235 रुपये प्रति लीटर से अब 220 रुपये में बेचा जाएगा। धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल की कीमत 209 रुपये से घटाकर 194 रुपये हो जाएगी। वहीं भारत अपने खाद्य तेल की आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है। वहीं सॉल्वेंट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2021 के विपणन वर्ष के दौरान भारत का खाद्य तेल का आयात लगभग 131.3 लाख टन पर स्थिर रहा, लेकिन मूल्य के संदर्भ में आवक शिपमेंट 63% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी ने 1 अक्टूबर को समाप्त होने वाले तेल विपणन वर्ष 2021-22 के पहले सप्ताह महीने के दौरान वनस्पति तेलों का आयात पिछले तेल की इसी अवधि में 76,77,998 रुपये टन की तुलना में 1% बढ़ाकर इसे 77,68,990 टन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।